बनी है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, किसी ट्रायंगल में किसी एक एंगल का बाइसेक्टर, जैसे ए का बाइसेक्टर हो गया ए डी, एंगल का बाइसेक्टर ट्रायंगल के अपोजिट साइड हो, ए का अपोजिट साइड कौन हुआ बी सी, एंगल का बाइसेक्टर अपोजिट साइड को जिस रेशियो में डिवाइड करता है वही रेशियो एंगल बनाने वाले साइड का होता है। एंगल ए का बाइसेक्टर बीसी को बांट रहा है बीडी और डीसी में, ठीक है। तो जो रेशियो बीडी और डीसी का होगा, बीडी और डीसी का, वही रेशियो एंगल बनाने वाले साइड ए को कौन बार बना रहा है बीए और सीए, वही रेशियो बीए और सीए का होगा। बात समझ में आया। यहां देखिए कैसे लेते हैं, बीडी बाई डी सी, बीडी ऊपर लिखे हैं तो बीस बढ़ाएंगे, बी ए सी डी बाई सी, क्लियर। तो इन ट्रायंगल एबीसी एडी क्या है, बाइसेक्स एंगल ए, प्रूफ क्या करना है, बीडी अपॉन डी सी इज इक्वल टू एबी अपॉन एस ए, ठीक है। BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC, कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, BA को प्रोड्यूस करेंगे, BA को प्रोड्यूस करेंगे और C से DA के एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, दोनों मिला मान लो ई पर, ड्रॉ सी ई पैरेलल डी ए, ड्रॉ सी ई पैरेलल डी ए एंड प्रोड्यूस बी ए विच मिट्स CE एट E, चलिए अप्रूव देते हैं, ठीक है। यहां देखिए AD क्या है, बाइसेक्टर है तो एंगल वन और एंगल टू क्या होगा, इक्वल होगा। ये लाइन ए लाइन पैरेलल है, ये लाइन ए लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है, तो टू और थ्री में क्या रिलेशन होगा, टू इज इक्वल टू थ्री बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एडी और सीई पैरेलल है और बीई ट्रांसवर्सल है, तो वन और फोर में क्या रिलेशन होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, बट वन और टू क्या है बेटा, इक्वल है, क्यों, गिवन है नहीं, इक्वेशन वन टू में हम क्या देख रहे हैं, यहां देखिए वन बराबर टू है तो वन के जगह पे आप फोर लिख सकते हैं और टू के जगह पे थ्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, थ्री और फोर बराबर आ गया, ये थ्री एंड फोर एक ही ट्रायंगल का साइड है, एक ही ट्रायंगल का साइड एंगल है, एईसी ट्रायंगल में, ठीक है, एंगल फोर और एंगल थ्री क्या है, इक्वल है, दो एंगल इक्वल हो गया तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाए, थ्री का अपोजिट साइड ए और फोर का अपोजिट साइड यानी एसी बराबर ए, अपोजिट साइड ऑफ, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, एसी और एई क्या हो गया बेटा, इक्वल हो गया, ठीक है।
इसको इक्वेशन थ्री मान लेते हैं। अब थ्रस्ट थ्योरम लगाइए बी सी ई ट्रायंगल में, ए डी पैरेलल सी ई है या डी ए पैरेलल सी ई है। यहां देखिए डी ए और सी ई पैरेलल है। थ्रस्ट थ्योरम में क्या पढ़े थे, एक साइड के पैरेलल लाइन खींचते हैं तो अदर दो साइड को सेम रेशियो में बांटता है, तो बी डी इज बाय डी सी, बी डी बाय डी सी क्या होगा, ए बी बाय ए ई। बाय थ्रस थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बी डी बाय डी सी, ए बी को रहने दीजिए, ए इक्वल क्या प्रूफ किए हैं, ए सी फ्रॉम थ्री ए सी इज इक्वल टू। अब आ गया बी डी बाय डी सी इक्वल ए बी बाय ए सी प्रूफ। चलिए नेक्स्ट लीजिए, नेक्स्ट है प्रोपोर्शनल इंटरसेप्ट थ्योरम। प्रोपोर्शनल इंटरसेप्ट थ्योरम क्या है, थ्री पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय टू ट्रांसवर्सल्स, देन रेशियो ऑफ देयर इंटरसेप्ट आर इक्वल। मान लीजिए ये एल एम एन पैरेलल है और यहां दो ट्रांसवर्सल हम लिए टी वन एंड टी टू, ठीक है। टी वन का इंटरसेप्ट हो गया ए बी, ध्यान दीजिए, और बी सी, टी वन का इंटरसेप्ट ए बी बी सी और टी टू का इंटरसेप्ट डी ई और ई एफ। टी वन का इंटरसेप्ट ए बी बी सी, टी टू का इंटरसेप्ट डी ई ई एफ, ठीक है। प्रूफ करना है कि रेशियो इक्वल है, ए बी बाय बी सी इक्वल डी ई बाय ई एफ। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ज्वाइन ए एफ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या किया, ज्वाइन ए एफ विच कट्स एम एट सी। अब यहां देखिए बी ए सी एफ ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए सी एफ बीपी पैरेलल सी एफ होगा, का है क्योंकि सॉरी बीपी जो है पार्ट है एम का और सी एफ पार्ट है एन का, तो एम पैरेलल एन है, पैरेलल लाइन का पार्ट पैरेलल होता है क्या, बीपी सी एफ पैरेलल। अब थ्रस्ट थ्योरम लगाइए ए बी बाय बी सी क्या होगा, ए बी बाय बी सी ए बी बाय बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इन ट्रायंगल ए डी एफ में ईपी किसके पैरेलल होगा, ईपी पैरेलल ए डी है, ईपी पैरेलल ए डी है, तो डीई बाय ईएफ क्या होगा, एपी बाय ईएफ। अब इक्वेशन वन और टू में देखिए, ये इक्वेशन टू हो गया, दोनों का आरएचएस इक्वल है, ठीक है, आरएचएस इक्वल है, इसीलिए एलएचएस क्या होगा, डीई बाय ईएफ। क्लियर, नोट कीजिए।